हाय, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी आज मंडे है, आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने। क्या मैंने एक सामान परचेस किया था मेरे मदर के लिए, क्योंकि एक्चुअली टाइम देखने में दिक्कत हो रहा था और मेरे पूरे घर में कहीं पे कुछ भी घड़ी वगैरह नहीं है। घड़ी देख लेती हैं, दीवार घड़ी, और घड़ी नहीं थी, इनको टाइम देखने में इशू हो रहा था, तो मैंने मंगा लिया एक वॉच। ये घड़ी है, अब इसको चलते हैं अनबॉक्स करना है। दिखाते हैं आज मदर के सामने फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल में मेरे, और खास घड़ी नहीं है क्योंकि इसको अनबॉक्स करते हैं तो दिखाते हैं। तो ये आ गया सब्जी काटने वाली चाकू मेरे पास है, और ये घड़ी का डिब्बा। अब इससे हम अनबॉक्सिंग करेंगे। कैमरा पकड़ी है मेरी मदर, तो आज की कैमरा मैन जो है मदर है, और अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ। उसको काट के देखते हैं कि जो घड़ी है वो कैसी है। तो सारा कबाड़, और इसमें सबसे नीचे है घड़ी। अरे यार, ये बहुत छोटे साइज की घड़ी है, बहुत छोटे साइज की घड़ी है ये। तो यहाँ से इसको इधर से कट करेंगे। अच्छा, चाहिए घड़ी तो खूबसूरत है, बट साइज बहुत छोटा है। पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लोकी माँ दूर से लुकत है, तो इनको दिखाई दे रहा है। तो ये रही घड़ी, और ये रहे घड़ी देखने वाले, टाइम देखने वाले। तो मदर के लिए बड़ा आराम हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि मेरे आने का टाइम हो गया नहीं हुआ है। ऐसे इनको बार बार दूसरों से पूछना पड़ता है। तो आज ये घड़ी वहाँ सामने लग जाएगी दीवार पे। अब चलिए इसको दीवार पे लगा के दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है मेरे घर के अंदर ये अजंता वॉच। ये भाई देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, किसी को आम लगेगा, किसी को कद्दू, या किसी को कटहल भी लग सकता है। सॉरी, कटहल नहीं, कद्दू और आम देखने में लग सकता है, लेकिन ये है पपीता। मैंने थोड़ा इसको छोटे साइज़ में काटा है क्योंकि मदर हमारी जो है इसको खा सकें। और आजकल हम लोग केले के जगह पे ये पपीता खा रहे हैं, बिकॉज केला यहाँ पे लखनऊ में हो गया बहुत महंगा। मतलब कि आप विश्वास नहीं करोगे, 80 रुपये दर्जन मिल रहा है केला, और ये मिल रहा है 50 रुपये किलो या 40 रुपये किलो। हमें लगा कि यार यही ज़्यादा मैटर है, तभी हम लोग खा रहे हैं पपीता। ठीक है, अब इनसे हम ये नहीं पूछेंगे पपीता कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस मैं ख़रीदा हूँ, बनाया नहीं हूँ। तो जो बनाया हो तो उसमें पूछना ठीक लगता है। खाई भाई, कही ले, खाई माता जी। उनके दांत नहीं है, ज़्यादा अच्छे से चबा नहीं पाती हैं, इसलिए इसको छोटे छोटे मैंने काट के रखा हुआ, और इसी को हम लोग खा रहे हैं। हाथ से उठा, केले का ये विकल्प है भी। तो आज हम लोग सुबह सुबह ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे, और हॉस्पिटल से वापस आते समय रास्ते में ये खूबसूरत बारिश मिल गई, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं और बारिश को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है। आज मेरे यहाँ मेन्यू में है बाटी, जिसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में घाटी के नाम से बोला जाता है। सत्तू का, चने के सत्तू का बनता है, तो इसको आज हम बना रहे हैं पहली बार। कैसन मिलवा झूठे नहीं सही बताओ, खूब बढ़िया बनता। ये बन गया है बाटी तेल वाला, ये हैं हम जो बना रहे हैं पसीने में देख कर। ये मदर जी हमारी जो खा रही हैं, दोनों लोगों ने मिलकर बनाया। हाय एवरीवन, तो आज फ्राइडे है, और आज हम लोग कुछ खास बनाने जा रहे हैं, खास इन द सेंस कि माता जी की फरमाइश है आज खाने में। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या खाना चाह रहे हैं, और फिर उसको हम लोग बनाएंगे। तो आज साथ ही इनसे पूछते हैं। हाँ माँ, आज खाने में क्या खाना है? खीर पूड़ी है। कुछ दिन पहले हमने इनसे बोला था खीर पूड़ी के लिए, अभी मैं 2-3 दिन पहले मैंने बोला था खीर पूड़ी बनाते हैं, तो इन्होंने बोला नहीं, पंचमी के बाद बनता है खीर पूड़ी, अब कुछ होगा नहीं। तो पंचमी फिलहाल यहाँ बीत गया, तो अब आज हम जा रहे हैं खीर पूड़ी बनाने। तो चलिए भी दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ चावल वगैरह है जो इन्होंने बीन लिया है, ये चावल इन्होंने बीन के रखा हुआ है, ये चावल है। और बाकी इधर दिखाते हैं और क्या है, यहाँ दूध गर्म हो रहा है, और ये किशमिश है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं खीर बनाने की। तो खीर बनाएंगे एंड पूड़ी बनाएंगे। तो थोड़ी सी झलकियाँ भी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, वीडियो पे बने रहिए ब्लॉग पे। और अगर ये खीर पूड़ी देखने में ठीक लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। हाँ, अगर देखने में अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं अभी। तो ये मेरी पूड़ी निकलने लगी भाई, और ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है बाकी लोगों को कि ये कौन सी तिकोने आकार वाली पूड़ी है, लेकिन ये पूड़ी बहुत आसान है बनाना एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको बनाया है। क्योंकि गोल वाली पूड़ी को आप अलग अलग लोइया बना के फिर उसको बेलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको बनाना आसान है। कैसे आसान, मैं अभी दिखा देता हूँ। फिलहाल ये पूड़ियाँ मेरी अच्छी हो रही हैं, फूल रही हैं को मज़े में। मैं दिखाता हूँ ये, और ये खाने में मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की पूड़ी बनाने के लिए सिंपली करना क्या है, एक बड़ी सी लोई बना लो और उस लोई से एक बड़ा सा रोटी बना लो। और इस देखो कैसे बनाते हैं इसको, और एक चाकू लेके इसको ऐसे बीच से और फिर यहाँ से बीच से। अब इससे क्या होता है कि चार पूड़ियाँ फटाफट तैयार हो गई और गोल और तिरछा होने का कोई डर भी नहीं है, एकदम शेप में बढ़िया मस्त गर्मा गर्म तिकोनी वाली पूड़ियाँ खाओ, समोसे वाला फील भी आएगा और कुछ अलग अलग भी लगेगा। और बाकी पूड़ी बनाते समय क्या हाल होता है मैं दिखाता हूँ। मेरा चेहरा देख सकते हो, मेरा शरीर देख सकते हो भाई, कितना ये मतलब पसीने से भीग गया है। तो पूड़ी खाने के पहले का ये तकलीफ, फिर पूड़ी खाने का मज़ा। खीर मेरा उधर कंप्लीट हो गया, पूड़ियाँ बन रही हैं एंड हम लोग खाएंगे अभी। तो ये हम लोग का खीर पूड़ी हो गया है तैयार। ये टमाटर की चटनी या टमाटर का सैलड जो भी कहना कह सकते हैं, और ये त्रिभुजाकार या शंकुआकार या त्रिकोणीय वाला पूड़ी। इधर खीर, ये माता जी का है, ये उनका पानी है और ये माता जी हैं। खा के टेस्ट कर लूँ, कैसा लगा था? झूठे कि सही? नहीं तेज बोलो। बढ़िया बोलवा, बढ़िया बोल बाटे। कौन सी खीर की चटनी है? और पूड़ी? अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू माय मदर टेस्टी है। अभी मैंने खाया नहीं है, अभी हम जा रहे हैं खाने। और यही ये ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। बाकी अगर ये ब्लॉग कैसा आपको लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड सभी को गुड नाइट, बाय। टेस्ट करते कैसा लगता है, बाय।